नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अभी बीसीसीआई ने बीसीसीआई हेड कोच गौतम गंभीर के साथ मिलकर घोषित कर दिया, न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का अब तक का सबसे खतरनाक स्क्वाड कर डाले चौंकाने वाले 7 बड़े बदलाव, जिसे देखकर पूरी न्यूजीलैंड की टीम के छूटे पसीने, साथ ही आप भी चौंक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम के नए हेड कोच गौतम गंभीर के साथ मिलकर अचानक से भारतीय टीम के स्क्वाड की घोषणा कर दी है, जिसमें उन्होंने 7 खतरनाक एवं विस्फोटक भूखे शेरों की टीम में वापसी करा दी है, जो टीम इंडिया से लंबे समय से बाहर चल रहे थे और अपने मौके का इंतजार कर रहे थे, जिनके नाम सुनकर ही पूरी न्यूजीलैंड की टीम के तो होश ही उड़ गए हैं और वह अब इन सभी से निपटने के उपाय सोच रही होगी। जी हाँ दोस्तों, तो आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जाने वाली 3 मैचों की टेस्ट सीरीज की पूरी जानकारी, इस सीरीज की शुरुआत कब से हो रही है, इसके मुकाबले कब और कहां खेले जाएंगे, भारतीय समयानुसार यह कितने बजे से शुरू होंगे, और दोस्तों साथ ही बताएंगे न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए बीसीसीआई ने हेड कोच गौतम गंभीर के साथ मिलकर किस खतरनाक भारतीय टेस्ट स्क्वाड की घोषणा की और किन धुरंधर शेरों को इस टीम में मौका मिला है। तो दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है, अतः वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उससे पहले आप रोहित शर्मा, विराट कोहली और केन विलियमसन में से किसे सबसे बेस्ट कप्तान और बल्लेबाज मानते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट पाते रहने के लिए तो दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं कि भारतीय टीम अभी रेस्ट पर चल रही है। हाल ही में भारतीय टीम का श्रीलंका द्वारा समाप्त हुआ है, जिसमें 3 मैचों की T20 सीरीज और 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली गई थी, जिसमें भारतीय टीम ने सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में T20 सीरीज में तो जीत हासिल की, लेकिन वनडे सीरीज में भारतीय टीम की हालत खराब हो गई, जिस पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा है कि कैसे भारतीय टीम को इस सीरीज में हार का सामना करना पड़ा। और इसके साथ ही भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के नाम 27 साल बाद श्रीलंका से हारने का खराब रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया है, जिसमें शायद उनकी कोई गलती भी नहीं थी। खैर, अब भारतीय टीम स्वदेश लौट चुकी है और अभी सभी खिलाड़ी रेस्ट पर हैं, लेकिन बहुत ही जल्दी भारतीय टीम एक बार फिर से मैदान पर खेलते हुए दिखने वाली है, जिसमें भारतीय टीम बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे जैसी धाकड़ टीमों से टक्कर लेने वाली है। जहां बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की टीमें भारत का दौरा करेंगी, तो भारतीय टीम बाद में साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाएगी, यानी कि भारतीय टीम का आने वाला शेड्यूल बिल्कुल टाइट है। ऐसे में इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं न्यूजीलैंड टीम के भारत दौरे की पूरी जानकारी, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं क्या है भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट में हार जीत के आंकड़े। तो दोस्तों, इन दोनों टीमों के बीच अब तक टेस्ट अंतर्राष्ट्रीय में 62 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें भारतीय टीम ने सर्वाधिक 22 टेस्ट मुकाबले अपने नाम किए हैं, तो वहीं न्यूजीलैंड की टीम भी 13 टेस्ट मुकाबले जीतने में सफल रही है। इसके अलावा इन दोनों ही टीमों के बीच 27 महामुकाबले ड्रा पर भी खत्म हुए हैं। ऐसे में इन रिकॉर्ड पर नजर डालें तो भारतीय टीम का न्यूजीलैंड के खिलाफ प्रदर्शन कुछ बेहतर रहा है। हालांकि वर्तमान में न्यूजीलैंड की टीम भी किसी से कम नहीं है, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम हमेशा भारतीय टीम को बड़े बड़े टूर्नामेंट में मात देती आई है। ऐसे में भारतीय टीम को सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो वहीं दोस्तों, आगे इस सीरीज की बात करें तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी, जो कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2024 और 2025 का हिस्सा है, जिसकी शुरुआत 16 अक्टूबर से होने जा रही है, जिसका पहला मुकाबला 16 से 20 अक्टूबर के बीच बेंगलुरु के मैदान में खेला जाना है। इसके बाद इस सीरीज का दूसरा महामुकाबला 24 से 28 अक्टूबर के बीच पुणे में खेला जाएगा, और इस सीरीज का अंतिम और फाइनल महामुकाबला 1 से 5 नवंबर के बीच मुंबई के स्टेडियम में खेला जाएगा,
जहां दोस्तों इन मुकाबलों के समय की बात करें तो यह तीनों ही मुकाबले भारतीय समयानुसार 9:30 से शुरू होंगे, जिसके लिए टॉस 9 बजे ही फेंक दिया जाएगा। जहां लाइव प्रसारण की बात करें तो यह मुकाबले भारत में ही खेले जाएंगे, तो इनका लाइव टेलीकास्ट आप टीवी पर स्पोर्ट्स एंटरटेन चैनल पर देख पाएंगे, तो वहीं इसकी लाइव स्ट्रीमिंग जियो सिनेमा ऐप पर इनका आप फ्री में लुफ्त उठा सकते हैं। तो दोस्तों, यह हो गई इस सीरीज की पूरी जानकारी। तो अब इस सीरीज के लिए घोषित भारतीय स्क्वाड की बात करें तो न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए हेड कोच गौतम गंभीर के साथ कप्तान रोहित शर्मा के द्वारा तैयारी जारी है, क्योंकि दोस्तों इस सीरीज के लिए बहुत पहले ही शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया था। और दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम की कप्तानी अनुभवी विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा ही करते हुए नजर आएंगे, जबकि दोस्तों न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम की उपकप्तानी में बदलाव किया गया है और अब उपकप्तानी की जिम्मेदारी बेहतरीन तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के हाथों में सौंप दी गई है। और अब न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम के फुल स्क्वाड की बात करें तो सबसे पहले सलामी बल्लेबाजों की बात करते हैं। तो दोस्तों, 3 बड़े दिग्गज खिलाड़ियों को ओपनिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें तो सबसे पहला नाम कप्तान रोहित शर्मा का आता है। जहां दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा टेस्ट जैसे सुपरहिट महामुकाबले में अब तक टीम इंडिया के लिए काफी बेहतरीन प्रदर्शन करते आए हैं, जहां हिटमैन रोहित शर्मा की टेस्ट करियर पर नजर डाले तो वह अभी तक 57 टेस्ट मुकाबले खेल चुके हैं। इस दौरान रोहित शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 4,000 से ज्यादा रन बनाए हैं, जहां हिटमैन रोहित शर्मा ने अपनी तूफानी अंदाज में 10 शतक और 14 अर्धशतक भी ठोके हैं, तो रोहित शर्मा का बल्ला न्यूजीलैंड के खिलाफ आग उगलने वाला है। वही दोस्तों, दूसरे बेहतरीन ओपनर की बात करें तो अपनी तूफानी बल्लेबाजी के लिए जाने वाले गिल का नाम आता है, जहां शुभमन गिल को टेस्ट मुकाबलों में अभी तक लगातार मौका तो नहीं मिला है, लेकिन जब भी इस युवा धाकड़ बल्लेबाज को इस फॉर्मेट में खेलने के लिए मौका दिया गया है तो उसने अपना 100% देते हुए काफी आक्रामक साबित हुए हैं। वहीं शुभमन गिल के टेस्ट में बल्ले से अब तक बैक टू बैक काफी रन देखने को मिले हैं, जहां शुभमन गिल अपने टेस्ट करियर में अब तक टोटल 23 मुकाबले खेल चुके हैं, जहां शुभमन गिल ने अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से टोटल 1,400 से ज्यादा रन बनाए हैं, तो वही इस टेस्ट फॉर्मेट में शुभमन गिल के बल्ले से 5 अर्धशतक और 4 शानदार शतक भी निकले हैं। ऐसे में दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ शुभमन गिल के ऊपर काफी बड़ी जिम्मेदारी होने वाली है। तो वहीं अब न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे ओपनर बल्लेबाज की बात करें तो तीसरे सलामी बल्लेबाज के रूप में युवा अनुभवी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को मौका मिला है, क्योंकि दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने कम समय में इस फॉर्मेट में काफी शानदार प्रदर्शन करके दिखाया है। जहां यशस्वी जायसवाल खेले अब तक 7 मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 1,000 से ज्यादा रन ठोक चुके हैं और इस दौरान इन्होंने 3 शतक और 4 अर्धशतक भी लगाए हैं। तो वहीं न्यूजीलैंड के खिलाफ मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों की बात करें तो सबसे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के रूप में विराट कोहली होने वाले हैं। दोस्तों, क्रिकेट के किंग विराट कोहली बहुत ही शानदार बल्लेबाज हैं और न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट में काफी बेहतरीन अंदाज में रन बनाने के साथ साथ शतक भी लगाए हैं। जहां विराट कोहली की टेस्ट रिकॉर्ड्स को देखें तो किंग कोहली अभी तक 111 टेस्ट महामुकाबले खेल चुके हैं, जबकि विराट कोहली ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से 8,800 से ज्यादा रन बनाए हैं। इस दौरान विराट कोहली टेस्ट में 27 शतक और 28 अर्धशतक भी ठोक चुके हैं। तो ऐसे में अब देखना होगा कि किंग कोहली न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज में किस तरह का प्रदर्शन करके दिखाते हैं। तो वहीं दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज की बात करें तो सरफराज खान को मौका दिया गया है, क्योंकि दोस्तों सरफराज खान ने भी रणजी ट्रॉफी जैसे मुकाबले में काफी ज्यादा रन बनाए हैं। जहां सरफराज खान ने टेस्ट में अब 3 ही मुकाबले खेले हैं, इस दौरान इनके 2 अर्धशतक हैं जो इंग्लैंड जैसी धाकड़ टीम के खिलाफ आए थे। इसीलिए दोस्तों, युवा बल्लेबाज सरफराज खान के ऊपर न्यूजीलैंड के खिलाफ काफी ज्यादा दारोमदार होने वाला है। वहीं इसके बाद अगला नाम श्रेयस अय्यर का आता है।
दोस्तों, श्रेयस अय्यर के बारे में तो आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। श्रेयस अय्यर लगातार टीम इंडिया के लिए मध्य क्रम में बेहतरीन प्रदर्शन करते आ रहे हैं और कई बार अपने अकेले दम पर टीम इंडिया को जीत भी दिलाए हैं। ऐसे में न्यूजीलैंड के खिलाफ भी इनका बल्ला जमकर बोलने वाला है। तो वहीं न्यूजीलैंड के खिलाफ विकेट कीपर के तौर पर सबसे पहला नाम ऋषभ पंत का आता है, जहां ऋषभ पंत एक बेहतरीन विकेट कीपर बल्लेबाज हैं और लंबे समय से धोनी के बाद टीम की फर्स्ट चॉइस बने हुए हैं। ऐसे में ऋषभ पंत को टेस्ट मुकाबले में काफी अनुभव भी है। वहीं ऋषभ पंत ने कुल 32 टेस्ट मुकाबले खेले हैं। इस दौरान ऋषभ पंत ने तूफानी बल्लेबाजी से 2000 से ज्यादा रन बनाए हैं। साथ ही ऋषभ पंत टेस्ट में 9 अर्धशतक और 4 शतक भी ठोक चुके हैं। तो वहीं दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में मौका मिला है ध्रुव जुरेल को। हालांकि दोस्तों, ध्रुव जुरेल ने भी टीम इंडिया के लिए बहुत ही कम टेस्ट मुकाबले खेले हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हेड कोच गौतम गंभीर ने ध्रुव जुरेल को बेहतरीन मौका दिया है। इनके बाद अगला नाम के एल राहुल का आता है, जो भी बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाज हैं और मध्य क्रम में टीम को संभाल सकते हैं। हालांकि देखना ये होगा कि प्लेइंग 11 में किसे मौका दिया जाएगा और खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ियों, सबसे पहला नाम अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा आता है। रविंद्र जडेजा का टेस्ट में काफी बेहतरीन प्रदर्शन रहता है, तो वही रविंद्र जडेजा के पास कुल 68 मैचों में बल्लेबाजी और गेंदबाजी करने का अनुभव है, जबकि रविंद्र जडेजा अब तक टोटल 3000 से ज्यादा रन बना चुके हैं और 290 विकेट छटक चुके हैं। लेकिन अब देखना होगा कि रविंद्र जडेजा न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी से कैसा खेल दिखाते हैं, जबकि इस टेस्ट के लिए दूसरे विस्फोटक ऑलराउंडर खिलाड़ी अक्षर पटेल होने वाले हैं, जहां अक्षर पटेल भी टीम इंडिया के लिए टेस्ट में काफी कारगर साबित हुए हैं। वहीं दोस्तों, अक्षर पटेल की टेस्ट रिकॉर्ड की बात करें तो वह टेस्ट में 12 महामुकाबले अब तक खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 600 से ज्यादा रन बनाए हैं। तो वहीं इस दौरान अक्षर पटेल ने गेंदबाजी करते हुए 53 विकेट भी अपने नाम किए हैं और यह भी अपना बेहतरीन खेल दिखाने वाले हैं, जबकि तीसरे ऑलराउंडर के रूप में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट के लिए वॉशिंगटन सुंदर को मौका दिया गया है, जो कि अपनी बेहतरीन गेंदबाजी और बल्लेबाजी के लिए भी जाने जाते हैं। हालांकि इन्होंने भी कम ही टेस्ट अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं, लेकिन इस दौरान इनका बेहतरीन प्रदर्शन रहा है, जबकि न्यूजीलैंड टेस्ट के लिए 4 ऐसे खतरनाक गेंदबाजों को टीम में मौका दिया है जो अपने गेंदबाजी से न्यूजीलैंड टीम के बल्लेबाजों की हालत टाइट कर देंगे, जिसमें सबसे पहला नाम मोहम्मद शमी का आता है। क्योंकि दोस्तों, अनुभवी खतरनाक तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी चोट के कारण भारतीय टीम से लगभग 1.5 सालों से बाहर चल रहे थे और यह अपना जलवा बिखेरने के लिए तैयार हो चुके हैं, जहां न्यूजीलैंड के खिलाफ मोहम्मद शमी के अलावा यॉर्कर किंग जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को भी टीम में शामिल किया गया है, जहां जसप्रीत बुमराह की भी लंबे समय बाद टीम में वापसी हो रही है। और बुमराह की गेंदबाजी के बारे में तो सभी जानते ही हैं। इनकी घूमती हुई गेंद किसी भी बल्लेबाज को खेलने में बड़ी दिक्कत होती है और यह वर्तमान में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज हैं। ऐसे में न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को इनकी गेंदबाजी काफी दिक्कतों में डाल सकती है, तो वही मोहम्मद सिराज की गेंद को भी खेल पाना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होता है। यह भी अपनी सटीक लाइन लेंथ वाली गेंदबाजी से किसी भी बल्लेबाज को परेशान कर सकते हैं, जहां न्यूजीलैंड टीम के बल्लेबाजों को जसप्रीत बुमराह के साथ साथ शमी और सिराज से भी काफी बचकर रहना होगा। तो वहीं अंतिम खिलाड़ी के रूप में टीम के सबसे मुख्य स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव को भी स्क्वाड में शामिल किया गया है, जो अपनी चाइना मैन स्पिन गेंदबाजी से बल्लेबाजों को रन भी नहीं बनाने देते हैं और विकेट भी आसानी से निकालते हैं। तो दोस्तों, यह था न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम का टेस्ट स्क्वाड, जिसे बीसीसीआई ने हेड कोच गौतम गंभीर के साथ मिलकर घोषित किया है। आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज जीत पाएगी या नहीं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।